Hey guys, this is my first flight journey from Assam to Hyderabad. Just now मैं Guwahati airport से take off कर रहा हूँ Hyderabad के लिए. मौसम थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए थोड़ा dim दिख रहा है. आप लोगों को देखिए, मौसम थोड़ा सा ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं. और मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्लियरिटी में थोड़ा कमी दिख सकता है आप लोगों को. फिर भी कोशिश करूँगा थोड़ा क्लियर लेने के लिए. तो देखिए गाइस, क्या व्यू है असम का नियर गुवाहाटी एयरपोर्ट. ओके, तो वहाँ से हम अभी जस्ट टेक ऑफ करें, देखेंगे आगे का व्यू कैसा है, मौसम बदलता कि नहीं बदलता. गाइस, मौसम थोड़ा बहुत तो अच्छा हो रहा, लेकिन फिर भी नहीं बोल सकते क्या हो सकता है. कोविड का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन के बीच में मैं जा रहा हूँ. प्रॉपर पीपी, प्रॉपर प्रिक्यूशन के साथ. तो आप लोग भी अभी अगर ट्रेवल कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉपर पीपी, प्रॉपर प्रिक्यूशंस ले कर ट्रेवल कीजिए, बिकॉज सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो आप अपना ख्याल रखेंगे तो सही रहेगा, अगर आप खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप सेफ नहीं रह सकते. तो बादल से भरा हुआ है, मौसम फिर से ख़राब होने लगा है. और फ्लाइट में क्या बोलूँ गाइस, इतना झटका लग रहा है जैसे रूट पे चल रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है मुझे. बहुत डर भी लग रहा है मुझे. ये है हमारा फ्लाइट का नज़ारा, देखिए डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस. लाइक 3 सीटर में सिंगल पर्सन को अलाउ कर रहा है बैठने के लिए. तो यहाँ पे देखिए, मैं भी मेरा सीट में मैं अकेला बैठा हूँ. डर भी लग रहा है फिर भी थोड़ा सा. ये रही हमारा इंडिगो फ्लाइट, और ये रहा मौसम खराबी की वजह से गाइस हमें कलकत्ता में लैंडिंग करवाया जा रहा है. अभी आके हम कलकत्ता पहुँचे. देखिए अभी कलकत्ता में हमारा फ्लाइट लैंडिंग होने वाला है. अभी हम कलकत्ता में लैंडिंग करेंगे. ये रही हमारा कलकत्ता. ऐसे कलकत्ता मुझे अच्छा लगता है. मैं 2018 जनवरी में आया था कलकत्ता घूमने के लिए, मेरा प्रोफेशनल काम की वजह से. कलकत्ता का न्यू टाउन जो है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा घूम के. नाइस प्लेस, आप लोग भी आ सकते हैं घूमने के लिए. बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी है कलकत्ता न्यू टाउन, बहुत ही मस्त है. देखिए हम लोग लैंडिंग कर रहा है कलकत्ता में. यह हमारा फ्लाइट लैंडिंग हो रहा है. ये हम लैंडिंग करे कलकत्ता के ज़मीन पर. गाइस देखिए, मौसम इतना ख़राब था क्या बोलूँ मैं. बहुत ही डर हुआ क्योंकि पहली बार है मेरा फ्लाइट में, तो बहुत ही डर हुआ था. इतना झटका लगा मुझे बादल के बीच. मैं बोल के नहीं, सभी लोग डरे फ्लाइट में, जितना भी मेंबर्स थे सब लोग डर गए थे. लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा दोनों फ्लाइट का, दोनों कैप्टन को, दोनों पायलट को. बहुत ही अच्छे तरीके के, बहुत ही सेफली हमें कलकत्ता में लैंडिंग करवाया. उन लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक्स, सच्चे ग्रेट जॉब. उन दोनों एक एक बार आके हमें दिलासा भी दिया कि कुछ टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है. फिर भी बहुत ही डर हुआ. उसके बावजूद भी हम लोग सेफली आके कलकत्ता में लैंडिंग करे,
ये रही कलकत्ता। वाओ कितना फ्लाइट है, देखिए गाइस। लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा फ्लाइट का लॉकडाउन की वजह से मतलब ज़्यादा फ्लाइट इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, तो गिने चुने फ्लाइट को इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए ऐसे फ्लाइट को साइड में परा हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। परा हुआ नहीं मतलब मेंटेन करके ही रखा होगा, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, जो मन में आ रहा है वही बोल दे रहा हूँ। तो ये रही कलकत्ता का एयरपोर्ट का नज़ारा आप लोगों को दिखाया मैं मेरा मोबाइल के थ्रू। आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, तो आगे देखते जाइए। हम लोग कलकत्ता में थोड़ी देर वेट करें। कलकत्ता में थोड़ी देर वेट करने के बाद देखिए मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ और ये हम टेक ऑफ कर रहा हूँ हैदराबाद के लिए। या फ्लाइट, हमारा फ्लाइट रनवे में है और हम टेक ऑफ करने वाले हैं अभी फ्रॉम कलकत्ता टू हैदराबाद। गाइस मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था पहले, अभी भी एक्साइटेड हूँ ऐसा नहीं है, फिर भी मतलब मौसम की वजह से बहुत ही डर लगा, बहुत डर आ गया दिल में, फिर भी थोड़ा सा हिम्मत जुटा के अभी फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे कि मोबाइल तो यूज़ करने नहीं देता, लेकिन मैं मोबाइल को एरोप्लेन मोड में रखे उसके बाद कैमरा ऑन करके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये रहे कलकत्ता का नज़ारा। वाओ अभी भी थोड़ा सा बादल दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए नीचे थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रहा है आप लोगों को क्योंकि बादल थोड़ा सा अभी भी है। और मैं रहे यहाँ पे फिर से सेम प्लेस में सीट मिला है मुझे, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को इतना अच्छे तरीके से दिखा पा रहा हूँ। फ्लाइट और पिछले एक डेढ़ घंटे से आके अभी हम पहुँच रहे हैं हैदराबाद। ये रहे हैदराबाद सिटी का नाइट व्यू, नियर शमशाबाद एयरपोर्ट। वाओ ये हैदराबाद सिटी, शमशाबाद, हैदराबाद मतलब शमशाबाद सिटी का रात का नज़ारा है, नाइट व्यू। और अभी हम लैंडिंग करने वाले हैं शमशाबाद एयरपोर्ट हैदराबाद में। ये देखिए गाइस हमारा फ्लाइट लैंडिंग हो गया और फ्लाइट को एक अपना पोजीशन पे जाके पार्क करेगा, उसके बाद हम उतरेंगे। क्योंकि गाइस मेरे साथ दूसरा कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को मेरा खुद का ज़्यादा व्यूज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। बस इतना ही कि मैं गाइस मैं वही कोशिश किया कि आप लोगों को दिखाऊँ मेरा फर्स्ट फ्लाइट जर्नी कैसा रहा। पहले तो बहुत ही एक्साइटिंग था, बीच में डेयरिंग हुआ, उसके बाद एंडिंग जो है ना बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही कमाल का एंडिंग हुआ। तो आज के लिए इतना ही। देखिए गाइस पहले बात है मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल वीडियो में वही शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो जितना हो सके थोड़ा अच्छा करने की कोशिश किया, पहला ब्लॉग है, फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा है, फिर भी मेरा फर्स्ट फ्लाइट जर्नी है मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे लाइक कमेंट्स मिलेगा आप लोगों का, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि थोड़ा सा मैं आगे जा सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। Stay safe, stay healthy. Thank you.